Hello and welcome to this episode of Business on the Wire. Even as state governments begin to assess the damage that COVID has wreaked on their economies and begin the process of rebuilding, what happens to the smaller states and the states that have been struggling both in terms of the economic output and the influx of migrant labor that they are going to face now? One such state is Jharkhand. They have put in place a couple of social schemes and welfare schemes already. To talk about that and to talk about the challenges that lie ahead, joining me now is Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Thank you very much for joining in. If you could first walk me through an update in terms of how many fresh COVID cases there are at this point in Jharkhand. We have detected 135 effective person and 33% is completely cured and 3 are casualties here. Abhi situation yahi hai. और मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसी आशंका है कि झारखंड में टेस्टिंग काफी शार्पली गिरा है क्योंकि एक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट शटडाउन हुआ है 1 मई से. क्या इस करके टेस्टिंग इंपैक्ट हुआ है? नहीं, ये तो होता ही रहता है मैम. अब गाड़ी चलती है सड़क पर तो पंचर तो होंगी ही होंगी. अगर इतने बड़े पैमाने पर जो हम लोग काम कर रहे हैं कुछ चीजें तो होती ही है. अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट थोड़ा सा एक इफेक्टेड कोविड पॉजिटिव हो तो वो सिस्टम को शटडाउन करना पड़ता है. ये एक टेक्निकल ये भी है. लेकिन इसके अलावा मैं अभी लगातार यहाँ अपना लैब को और डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ. हमने कुछ स्पेशल मशीन भी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है जो उन्होंने अभी हाल में परचेस किया है और वो उन्होंने अपने ICMR लैब के लिए ही वो मंगाया है शायद जैसा उनका कहना है. बट वी नीड ऑल्सो दैट मशीन क्योंकि उस मशीन में कैपेसिटी काफ़ी है और टाइमिंग भी बहुत कम लगता है. और मेरी टारगेट है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई कर पाऊँ. मैं काउंट जितने हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं मैं इससे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं हूँ ना घबरा रहा हूँ. अगर मुझे अधिक नंबर भी मिलते हैं इफेक्टिव पर्सन तो मुझे आने वाला समय में क्या हम रूट तय करेंगे इस COVID-19 से फाइट करने के लिए वो हमें तय करने में थोड़ी आसानी होगी. सो दैट आई वांट कि मुझे वो टेस्टिंग करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी और उसको लेकर के मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कन्वर्सेशन में हमारी सिस्टम लगी हुई है. और जो नई मशीनें आई है उस मशीन की भी हमने डिमांड की है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चैलेंजिंग तब होंगी जब लेबर और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं माइग्रेंट्स हैं वो सब रिटर्न आएंगे उस समय हमें ज़्यादा टफ होगा चीज़ों को हैंडल करना. लेकिन तब तक अभी 5 लैब 4 लैब पर मैं काम कर रहा हूँ और अभी लगभग चीज़ें अंडर कंट्रोल है. बट अभी जिस तरीके से लेबर आ रहे हैं लगभग 18 से 20 हज़ार स्टूडेंट और माइग्रेंट पर्सन को लेकर के हमारे पास आंकड़े हैं और ये बढ़ेगा भी. और इसमें कोई ये नहीं है कि अभी बीच में जितने लोग आए हैं उनमें से अभी जो भी मिल रहे हैं पॉजिटिव वो उनका ट्रैवल हिस्ट्री ही कहीं कहीं ज़्यादा दिख रहा है. इसलिए हम लोग हाई अलर्ट पर हैं. इस पर कोई ये नहीं है. अब चूंकि ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में जो भारत सरकार ने कहा है कि ग्रीन जोन में सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमने वो सारे बंद कर रखे हैं. हमने कोई एक्टिविटीज़ नहीं शुरू किया है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लेबर जितने भी माइग्रेंट हैं उनको हम लोग सेटल डाउन कर लें उनकी पहचान कर लें और उसके बाद चीजों पर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे. जी जी, आई विल ऑफ कोर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट द माइग्रेंट लेबर इश्यू सर, बट दैट वाज द पॉइंट आई वाज कमिंग टू. द झारखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टे विद द लॉकडाउन विद ऑल रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस टिल द 17th ऑफ मई. आई अंडरस्टैंड इट्स बिकॉज यू एक्सपेक्ट टू सी मच मोर यू नो ऑफ अ पॉपुलेशन कमिंग इन, पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा सर ऑन द स्टेट? देखिए मैम, इकोनॉमिक कल इम्पैक्ट तो होगा ही. इस पर तो कोई शक सवाल नहीं है. और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो इसको हम आज
कोविड-19 से जोड़ के देखेंगे तो ये थोड़ी ज्यादती होगी। ये इकोनॉमिकल हालत तो पहले से ही लड़खड़ाई हुई है, और उसके बीच में ये कोरोना आ गया, तो सारी चीज़ें कोरोना के ऊपर ही लादा लादा जाना ही ठीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज देश के इकोनॉमिक के जो व्हील्स हैं उसको रोटेट करने में जो माइग्रेंट लेबर का जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ना नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद जो लेबरों के साथ, माइग्रेंट लोगों के साथ जो व्यवहार रहा है वो मतलब काफ़ी पैनिक रहा है। वो आपने देखा किस तरीके से लोग पैदल चले, साइकिलों में चले, बसों में चले, ट्रकों में छुप के आ रहे हैं, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें हुए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई चल पाया, कोई बीच रास्ते में मर गया, बहुत सारी चीज़ें इन 1 महीने 2 महीने के अंदर बीती है। और आज जो माइग्रेंट लेबर हैं वो इतने डिस्ट्रेस में हैं कि वो आज एनी हाउ अपने परिवार के बीच में जाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज इस डिस्ट्रेस को उनका परिवार के साथ ही रहने से ही निकाला जा सकता है। और मुझे लगता है कोई भी आदमी ऐसे हालात में परिवार के साथ रहता है तो उसको एक एनर्जी मिलती है, उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है आज, जो उनको बहुत ज़रूरी है। जो हमने पिछले लॉकडाउन के दौरान उन मजदूरों के साथ ये व्यवहार नहीं हो पाया कि आज उनको सही समय पर अनाज उपलब्ध कराया जाए, उनके लिए रहने की ठीक सही व्यवस्था की जाए, तो ये चीज़ें बीच में ऐसी स्थिति हुई। तो आज आप देख रहे हो कि कहीं भी पता चलता है कि बस जाने वाली है तो हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंच जाते हैं, ट्रेनें जाने वाली होती है तो वहां भी हजारों लोग पहुंच जाते हैं, और वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी स्थिति है। तो आज ये बात जरूर है कि थोड़ा सा हमें इससे उभरने में समय लगेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिकल व्हील्स को मूव कराते हैं वो लोग आज खुद काफ़ी डरे हुए हैं, खुद काफ़ी थके हुए हैं, और आज उनको जरूर हमें एक फ्रंट ये में रख करके सोचना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज जैसे जिस तरीके खासकर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी के जो लोग माइग्रेंट करके जाते हैं काम करने के लिए, अगर ये वापस पूरी तरीके से आ गए, मुझे नहीं लगता है कि देश का अर्थव्यवस्था में गति आ पाएगी। और अभी तो मुझे कुछ यदाकदा सुनने को मिल रहा है कि लोग अब अपने लेबरों को रखने के लिए एन केन प्रकारन कुछ कुछ जुगत लगा रहे हैं। उनको पता है कि आगे हमें दिक्कत आएंगी। अगर यही काम हम पहले कर लिए होते तो मुझे लगता है कि आज इतने बड़े पैमाने पर लेबर को यहाँ अपने अपने घरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज शायद यही वजह है अभी लोग इस काम में लगे हैं। मुझे भी कुछ खबरें आ रही हैं कई राज्यों से कि यहाँ पर नहीं, लोग लेबर को रखने की कुछ तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा अगर जो ये बातें आती हैं और लेबर इस बात को समझ पाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अभी ये कह पाना कि वो लोग रुकेंगे, ये थोड़ा मुझे नहीं लग पा रहा है कि वो रुकेंगे। वो आएंगे जरूर, अपने घर को आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, अगर किसी में हिम्मत रही अभी आज के समय में तो वापस जरूर जाएंगे, नहीं तो स्थिति अभी थोड़ी सी चिंता करने वाली है। पर वही दुर्भाग्य की बात है सोरेन साहब, कि कई माइग्रेंट लेबर्स हैं जो कि घर वापस आना चाहते हैं, पर कई और राज्य हैं जिन्होंने ट्रेन कैंसिल कर दी हैं, जैसे कि कर्नाटका, जहां पर बिल्डर्स मीट हुआ उसके बाद ये तय किया गया कि माइग्रेंट्स को ट्रेन में नहीं रखा जाएगा। इस समय में और इस स्थिति में झारखंड जैसे स्टेट्स का क्या स्टांस है सर, और क्या आपका कोई कम्युनिकेशन हुआ है ऐसे स्टेट्स के साथ ये बताने के लिए कि जो माइग्रेंट लेबर घर आना चाहते हैं उनको आने देना चाहिए और ट्रेन्स को वापस शुरू कर देना चाहिए? देखिए, ऐसे कुछ राज्यों से बात जरूर आई थी, हमें भी जानकारी है। बंगाल में भी ये स्थिति थी कि लोग आने जाने पर वहाँ पर भी बंद था। हमने ममता दी से बात की,
उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, अगर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हो, और हमने लेबरों को मंगाना शुरू भी किया। उसी तरीके से कई और राज्य हैं जहाँ पर ये बातें थी, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम इस काम के लिए लगी हुई है, और कुछ कुछ ट्रेनें चलने भी शुरू हुई हैं। और देखिए, मुझे लगता है अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज खुलते हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि जो माइग्रेंट लेबर हैं उनमें जो डिस्ट्रेस है वो थोड़ा सा जरूर एक उम्मीद लेकर के आएगा। लेकिन आज इंडस्ट्री के साथ भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि काफी जगह पर चर्चा हो रही है कि वो इंडस्ट्री भी अभी खुलने की स्थिति पे नहीं है, उनके साथ भी कई समस्याएं हैं। अभी जो 2-3 महीने तक इन लोगों ने बंद कर रखे थे उसको लेकर उनके साथ भी कई समस्याएं हैं। तो ये ओवरऑल एक सर्किल है, ये चेन है, वो चेन हर जगह ब्रेक कर गया है। अब वो चेन को जुड़ने में तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, इसके लिए कोई दोहराई नहीं है। और उसके लिए मुझे लगता है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर ज्वाइंट एफर्ट लगाने की आवश्यकता है कि कैसे चीज़ों को आगे मोबिलाइज किया जाए। जी, मैं झारखंड की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ सुरेन साहब. एज यू वेल नो, इट्स अ स्टेट दैट हैज बीन स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली. एज यू पॉइंटेड आउट, योर फिगर्स पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट इन द फर्स्ट ट्रांच यू एक्सपेक्ट टू सी अबाउट 80,000 पीपल रिटर्निंग बैक टू द स्टेट. वॉट डू यू एस्टिमेट द टोटल साइज विल बी सर? एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन, यू नो, फॉर झारखंड एज एन इकोनॉमी ऑन अ फैमिली बेसिस, अ लॉट ऑफ मनी केम इन बाई वे ऑफ यू नो रिमिटेंसेज दैट वॉज सेंट होम बाई मेनी ऑफ दीज माइग्रेंट लेबर्स. वेन दैट स्टॉप्स, एज इज द सिचुएशन, वॉट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव ऑन यू नो फैमिलीज एंड इनकम्स विद इन झारखंड? मिताली जी, देखिए, ये तो बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड मुझे लगता है कंट्री में सबसे बैकवर्ड स्टेटों में से है, और यहाँ पर कई इश्यूज हैं। इकोनॉमिकल इश्यूज भी है, सोशल इश्यूज भी हैं, एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। और ये राज्य अपने आप में एक अलग तरीके से, अलग तरीके के करैक्टर में है। यहाँ पर ट्राइबल है, यहाँ पर एससीज हैं और माइनॉरिटीज हैं, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये वर्ग सबसे अधिक है। लगभग 50% से अधिक ये कम्युनिटीज यहाँ पर हैं। और इनकी आज से नहीं, सदियों से ही आप देखेंगे तो उनके साथ जो इनकी जो हालात रही है वो वर्ल्ड वाइड एक डिस्कशन का टॉपिक रहता है। और आज ऐसे, और ये डिजास्टर, इस तरीके के डिजास्टर तो इनके लिए डबल मार हो जाती है, और ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हमने तो प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये पूरी, हमने कभी भी उनसे कोई पैकेजिंग की डिमांड नहीं करी, ना कभी कोई, मैं राज्य की पूरी वास्तविक स्थिति मैंने उनके समक्ष रखा है कि आप इन कम्युनिटीज़ को, इन ग्रुप्स को, इन समूह को, और ये ऐसे राज्यों के प्रति आपकी एक विशेष ध्यान रहना चाहिए। अभी जैसे इस स्टेट से सबसे अधिक रेवेन्यू रेलवे को इसी स्टेट से मिलती है देश में। हमने पीयूष गोयल साहब से ये रिक्वेस्ट करा कि आप हमें कम से कम अपने माइग्रेंट लेबर को लाने के लिए, हमें यहाँ पर कम से कम झारखंड को तो रिलीफ मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार बनता है, और आपसे डिमांड करने के लिए भी हमारा बनता है। लेकिन अभी ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं। इसके अलावा आप सुनकर हारे बहुत, मतलब सोचेंगे ये होता कैसे है, ये हमारे समझ से भी परे है। आज हमारे झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ये सारे पिछड़े राज्यों में जो लेबर के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए, आपको मालूम है मनरेगा प्रोग्राम चल रहा था, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज इन पिछड़े राज्यों में मनरेगा में वेजेस सबसे कम है,
और दूसरे राज्य जो डेवलप स्टेट हैं उनमें मनरेगा में वेजेस सबसे अधिक हैं। यहाँ हम 200 रुपीज़ भी एक लेबर को नहीं दे पाते हैं, और दूसरे राज्यों में जो डेवलप स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, इन सब में जाके आप देखेंगे तो 300+ सबको वेजेस है। तो ऐसे स्थिति पर लोगों को काम तो नहीं लगता है कि हम उनका शोषण कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसको कैसे ये डिसीजन होता है, ये कौन इसको बनाता है, ये हम नहीं जानते हैं। आपको हिमाचल का हम आपको उदाहरण दें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ तो ऐसा है कि शेड्यूल एरिया के लिए अलग रेट है, नॉन शेड्यूल एरिया के लिए अलग रेट है। तो आखिर झारखंड में इतने बड़े पैमाने पे शेड्यूल एरिया है, तो यहाँ पर क्यों इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती? तो आज ऐसे हालात में लोगों को हम लोग काम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक मानवता का ये भी नहीं कहता है कि इस तरीके से होना चाहिए। तो स्थिति ये है, और साथ में अब हम जो हमारी मेन ये है जो हमारे स्टेट में अभी माइग्रेंट लोगों के आने के बाद चैलेंजिंग है, जी उनको हेल्दी रखना, उनको जॉब कैसे हम एम्प्लॉयमेंट करें। अभी हम लोग 3 दिन 4 दिन 3 दिन पहले ही हमने रूरल एरियाज़ के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो इससे उनको एक राहत मिलेगी। अर्बन एरिया जैसे दूसरे जगह जाते हैं माइग्रेंट करने, वहाँ जिस तरीके से बेनिफिट है वो तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। हम अभी उसी के इर्द गिर्द अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अर्बन एरियाज़ के लिए भी हम प्रोग्राम अभी कल परसों कुछ लॉन्च करूँगा, जो हमारे अर्बन लेबर्स होंगे उनको जॉब मिल पाएगा। अभी जितने भी हमारे लेबर्स आ रहे हैं उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाना है, तो इसके लिए हम जैसे ट्रेन आती है, ट्रेन आने के बाद उनको एक मेडिकल ट्रैक से गुजरना पड़ता है, फिर उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल में भेजा जाता है, वहाँ पर भी एक मेडिकल ट्रैक से गुजरना पड़ता है, और फिर इनको जब होम क्वारंटाइन में रखा जाता है, तो होम क्वारंटाइन में कम से कम 15 से 20 दिन के लिए उनको हम लोगों ने कहा है कि आप लोग रहेंगे, और 15 से 20 दिन वो क्या खाएंगे इसके लिए भी हमने उनकी अरेंजमेंट कर रखी है। जो भी लेबर आते हैं उनको 20 दिन की एक अनाज का पैकेट मिलता है, जिसमें पूरा अनाज होता है, और वो हम उनको दे के भेजते हैं ताकि वो 20 दिन कम से कम कोई मूवमेंट ना करें। और इनको जो वॉच आउट करने के लिए हम लोगों ने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो तो अलग से लगी है, बल्कि हमने सोशल पुलिसिंग को भी अपना एक्टिव कर रखा है। जो रूरल एरिया गांव के लेवल पे ही हैं, विलेज लेवल में लोग हैं, जो विलेज के ही लोग हैं वो लोग इस चीज़ों को देखते हैं, और जो हमारा कंट्रोल रूम है यहाँ उनकी इन्फॉर्मेशन आती हैं। और मुझे लगता, और अभी कुछ इनसाइड जो रिसोर्सेज हैं मैं उसको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं कैसे वैल्यू एडिशन कर सकूँ। और जो अर्बन एरिया में 1,000 रुपये कमाते थे, यहाँ पर भी कम से कम उनको 500-600 रुपए की रोजगार मिले एवरीडे, ऐसे मैं प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीजें हम जमीन पे उतारे लेंगे। आपका क्या अनुमान होगा सुरेंद्र साहब, ये जो माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं, कुछ आंकड़े बताते हैं कि 6 लाख लोग जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में हैं, वो वापस अपने देश झारखंड जाना चाहते हैं, क्या ये आंकड़ा सही होगा, 6 लाख लोग? नहीं देखिए, अभी हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है घर वापसी का, और उस ऐप में लगभग अभी हमारे पास 3 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, जो लोग आना चाहते हैं वो ऐप अभी लोगों के बीच में पहुंच ही रहा है। अब जैसे जैसे अभी तक तो 3 लाख लोगों का ये है, लेकिन अभी भी हमारे पास लॉकडाउन के पीरियड में ही लगभग 2 लाख लोग पहले ही घुस चुके हैं। कोई पैदल आ गया, कोई ट्रक से आ गया, कोई ट्रैक्टर से आ गया, वट एवर, जिस तरीके से सब अलग अलग सोर्स से 2 लाख लोग तो पहले घुस चुके हैं, जी जिन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, उनके ऊपर स्टैंपिंग भी की, उनको क्वारंटाइन भी रखा, वो अभी सुरक्षित हैं। इसके अलावा अभी जो रिसेंट जो लॉकडाउन लोगों को मूवमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, इससे लगभग हमारे राज्य के अंदर 18 से 20 हज़ार लोग आ चुके हैं। जो हमारे पास अभी आंकड़े हैं, 12 ट्रेनें आई हैं, और उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, माइग्रेंट लेबर भी है, तो
इन सबको अभी अभी ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। अब 3 लाख लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आती हैं। और जो अभी कई राज्य में आ रही है बातें कि लोगों को कुछ वहाँ पर भी खुलने की आसार हो रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज शुरू होने जा रहे हैं, और अब लेबरों को थोड़ा सा लेबर के बीच में कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजमेंट हैं वो लोग जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप रुको, जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोगों ने जो डिस्ट्रेस है लोगों में वो अभी इतना ज़्यादा है कि वो हर हाल में वापस आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्पीड अप होगा, लेकिन बिजनेस हाउसेस के भी अपने कुछ इश्यूज हैं। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में किस तरीके से चीज़ें ली जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा अभी वॉच करना पड़ेगा। कुछ दिन और उसके बाद ही चीजें आएंगी कि किस डायरेक्शन पे चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक ऐसा चिंतन है सुरेंद्र साहब की, यू नो, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, जिस तरीके से जो सलूक किया गया इन माइग्रेंट लेबर्स के साथ, उनको जो मुश्किलें देखनी पड़ी, उनमें इतना ज्यादा भय बैठ गया है कि अपने गांव में वापस आने के बाद, अपने देश में वापस आने के बाद, वो काम पर फिर बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वुड यू से दिस इज अ लेजिटिमेट फियर सर, दैट लेबर, माइग्रेंट लेबर डज नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द टॉर्मेंट एंड टॉर्चर दैट दे हैड टू फेस ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स? मिताली जी, देखिए ये तो बात परफेक्ट है। आने वाला समय में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये एक नए शेप में, नया शेप लेगा, क्योंकि जो अचानक इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है और आज जिस कोविड की हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 का, ये सिर्फ हम नाम जानते हैं, कोरोना एक नाम जानते हैं, इसका ना ट्रीटमेंट का पता है, ना इसकी पहचान है, ना कोई इसका कहीं पर भी आप की बता सकते हैं कि नहीं इसको ये कोविड-19 हुआ है। इसका लेमेन अभी कंसेप्ट यही लिया जा रहा है कि लोगों का इम्यूनिटीज बढ़े, वही उसका एकमात्र उपाय है। बस यहाँ पर बच्चों और बूढ़ों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बाकी जो यंग एज हैं लोग हैं उन लोगों की अपनी इम्यूनिटीज पर ही ये ज़्यादा टिका हुआ है, और जो ठीक भी हो रहे हैं कमोबेश इसी तरीके से ठीक भी हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी अब यही कहा है कि जो पॉजिटिव पर्सन है उनको भी आप घर पे ही रखें और उनका बेहतर खान पान का ख्याल रखें। तो आज मुझे लगता है माइग्रेंट लेबर जो आते हैं अपने घरों में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने परिवार के साथ रहने से एक मोरल एनर्जी तो मिलती ही है, और एक उनको सोशली ये भी एक सपोर्ट मिलता है, जिससे कल को वो ये बहुत लोगों के ये को काम करने में, मतलब इनसाइड इम्यूनिटीज को बढ़ाने में भी इस इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है। अभी तो हमारे लेबर दूसरे राज्यों में मर भी गए, 2-3 लेबर मरे भी, और आज के दिन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है आपको पता है किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेशन स्प्रेड होता है, और इससे और लोगों में डर आया है। और जब ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आगे देखेंगे, ऐसा नहीं है आज लोग नहीं देख रहे हैं, आज लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आज इतना वास्ट है कि अगर स्टेट अपने रिसोर्सेस, हम चूंकि अपने स्टेट को सबसे पिछड़ा स्टेट मानते हैं, लेकिन मैं आज इस चैलेंज को थोड़ा एक्सेप्ट करने की तैयारी में हूँ कि आने वाला समय में हम अपने माइग्रेंट लेबरों को हम अधिक से अधिक अपने स्टेट में ही कंज्यूम कर लें, ये हमारा टारगेट चल रहा है, और इस पर मैं अभी एवरी डे मेरी इस पर काम चल रही है। और मैंने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी अर्बन एरियाज के लिए मैं प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसमें लोग कुछ एंगेज होंगे, और इसके अलावा जो इनसाइड जो इंटरनल हमारा रिसोर्सेस हैं, हम कहाँ इंडस्ट्री से लेकर के एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, प्राइवेट सेक्टर से लेके, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लेकर के, वहाँ लोग ऑक्यूपाई हो पाएंगे, मैं इसका असेसमेंट कर रहा हूँ,
और मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन ही 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ हमारा स्टेट का है, और आज यहाँ से माइग्रेंट कर रहे हैं लोग, सिर्फ 1% नहीं बल्कि परिवार के साथ माइग्रेट कर जा रहा है। अगर हम उनको यहीं रोक लें तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ये का ज़रूरत पड़ेगा। और जो हमारे सिख इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम सपोर्ट करके फिर से उसको बिल्टअप करें, और जो बंद पड़े अभी इंडस्ट्री हैं उस पर हमारे पदाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मिताली जी, हमारे यहाँ स्टेट में कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। बुकारो स्टील प्लांट है, टाटा स्टील है, यहाँ DVC जैसी कंपनियाँ हैं, कोल इंडिया जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम करती है। मैं इन सभी का अभी असेसमेंट कर रहा हूँ, और हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि अधिक से अधिक लोग हमारे एम्प्लॉयमेंट ये कंपनियाँ जनरेट करें और हमारे लोगों को अपने ही इसी स्टेट में जॉब मिले। जी सुरेंद्र साहब, कुछ दिन पहले CMI जो कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखता है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स रिलीज किए और झारखंड के नंबर्स बहुत ही हाई थे, 47% अनएम्प्लॉयमेंट। आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस यू फेस, यू हैव रिलीज 3 स्कीम्स, हैव यू रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सो फार सर, एंड व्हाट इज द कॉस्ट दैट यू एक्सपेक्ट टू अंडरगो दिस ईयर, both for welfare schemes and to, you know, pump money into health? मिताली जी, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जब फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट में आई थी, उसी समय इन लोगों ने सबसे पहले एक्शन किया कि GST इन लोगों ने इम्पोज किया देश के अंदर। GST इम्पोज होने से क्या हो गया, मान के चलिए कि एक इंसान की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई। फाइनेंशियल बैकबोन जो स्टेट का होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कर लिया, और नतीजा लगभग कमोबेश सभी स्टेटों का, जो डेवलप स्टेट थे तो उनके कुछ कॉरपोरेशंस के वजह से वो लोग अभी खड़े हैं, लेकिन जो पिछड़े राज्य थे उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। हमारे पास रिसोर्स जनरेट करने के लिए लगभग नहीं के बराबर इशूज हैं, साइट हैं कहीं पर भी कि हम अपना खुद से जनरेट कर पाएं, क्योंकि मिनरल बेस्ड स्टेट है हमारा और हमारा बैकबोन ही निकाल लिया गया है। तो हमारी आज के दिन में 95% डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही है, और ये जरूरी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आज हमारे स्टेट को एक खास तरीके से नज़र देना पड़ेगा, नहीं तो कल को, चूंकि हमें अपने लोगों को बचाना भी है, हमें अपने लोगों को खिलाना भी है, हमें अपने लोगों को रोजगार भी देना है। इसके लिए हमें, अब मैं अभी इस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्वर्सेशन करूंगा अलग से, क्योंकि अभी हम लोग इसके साथ ही लड़ रहे हैं, और चूंकि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ 42% कंट्री का मिनरल हमारे स्टेट से जाता है, और हमें रेवेन्यू के जो रॉयल्टी है उनकी आप ये करोगे तो पता चलेगा कि जितना का हमको रॉयल्टी मिलता है उसका 100 टाइम्स तो हम लूजर होते हैं यहाँ पर स्टेट में। और आज यही वजह है यहाँ से लोगों का माइग्रेंट करना, और आज यहाँ पर जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं नए समय में, अभी भी एक्टिविटीज है, अब हाई टेक्नोलॉजीज का टाइम है, आज लेबर बेस्ड कंपनियां नहीं खोली जाती, और आज बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होते हैं, तो विस्थापित वाले लोग तो फिर धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाते हैं। आज ये माइग्रेंट का इशू मिताली जी, ये अभी मतलब कहा जाए तुरंत का बात नहीं है, ये बहुत बरसों कहा कि यहाँ सबसे डिजिटलाइजेशन हुआ, सबसे एशिया का बिगेस्ट कंपनी लगी, बोकारो स्टील बना, मदर PTC बनी, और ऐसे में हजारों हजार एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन जमीनें एक्वायर हुई। और वो जो देखिए यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे उस समय, अब ट्राइबल पॉपुलेशन फिर भी घट सा गया है उस समय की पॉपुलेशन, ट्राइबलों का एसेट है जो उनकी पूंजी है, लैंड ही उनकी पूंजी हुआ करती थी, और नतीजा ये हुआ पढ़े लिखे लोग थे नहीं, उनको रोजगार
से बहुत ज्यादा ये हो नहीं पाया, लाभ मिल नहीं पाया, और नतीजा यह हुआ कि दूसरे राज्यों से आके यहाँ पर लोग आकर के उनके जगह पर नौकरियां करने लगे और ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ करके दूसरे जगह पर रोजगार तलाश करने के लिए चले गए। आसाम देख लीजिए, आज सिलीगुड़ी पूरा चाय बगान आप देख लें, इधर आप हैदराबाद तब जाएंगे तो कॉफी गार्डन में देखेंगे तो सारे ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड दिखाई देंगे। और आज कहीं ना कहीं ये इस राज्य के लिए बहुत हमेशा कंटिन्यूस डिजास्टर रहा है, मैं मानता हूँ। और मैं इसको जैसे सरकार में मैं आया हूँ तब से मैं इस सब्जेक्ट पर कर रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ कि आखिर लोग क्यों चलेंगे बाहर। मुझे लगता है मैं या लेकिन इस बार इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन चल रहा है, हम अपने माइग्रेंट पीपल को वापस यहाँ और यहीं पर उनको अब्जॉर्ब, ऐसी हमारी ये है। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट लेंगे, अपने इंटरनल रिसोर्सेस को और एक्सप्लोर करेंगे। कहीं मैं जगह पर गया था, यहाँ पर उसका लाख, यहाँ जिसे चूड़ियाँ बनती है, जी बहुत सारे गुड्स बनते हैं, वो यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1904 पे ये एस्टेब्लिश हुआ है। इतनी बड़ी सेटअप है और उसमें झारखंड एरिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन साइट था लाख के लिए, और आज स्थिति ऐसा है कि वो मरणासन पर है। और आज आपको मैं बता दूं, 1 किलो लाख का कीमत आज के दिन में 400 से 500 रुपया है। आज किसी फार्मर के पास 1 एकड़ जमीने हैं तो साल में वो 5 से 6 लाख रुपया कमा सकता है इस फार्मिंग से। आज ट्रैवलों के पास पैसे कहाँ थे, इनके पास तो जमीने ही थी। और आज ये बड़ा आश्चर्य की बात है, जिनके पास जमीने हैं उनके जमीनों पर प्लांट बन गए, बड़े बड़े उद्योग लग गए, और आज ये मजबूर हैं दूसरे राज्यों में और दूसरे के यहाँ भीख मांग कर करके खाने के लिए। आज इसको मैं फिर रिजेनरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कल ही गया था, बहुत ह्यूज वहाँ पर प्रोग्राम चलाया जा सकता है, और हम ऐसे कई हमारे साइट हैं जहाँ पर, और ये ऐसा नहीं कि वो कोई टेक्नोलॉजी था कि ये प्रोडक्शन यहाँ होगा तो यहाँ डेवलप ऐसे हम करेंगे, ये इनहेरेंट इन यहाँ पर के कम्युनिटीज के लिए ये रोजमर्रा की गतिविधियों का ये फार्मिंग था। मतलब घर पे अगर सफाई करनी है तो रोज झाड़ू लगना ही लगना है, तो ये ऐसी फार्मिंग थी जो लोग उनका एक ये था कि भाई नहीं ये तो लगना ही, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन समय बीतता गया, बिचौलियों का, दलालों का और सरकारों का उदासीनता का शिकार होना पड़ा इस व्यवस्था को, और आज ये बहुत मतलब एस्टेब्लिश्ड है। और मैं कल देख के आया हूँ कि वो एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिशमेंट है, 40-50 साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं अभी भी, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका जो पेमेंट वेमेंट है जो है वो चल पा रहा है। राज्य सरकार के पास होता तो मुझे लगता है आज के दिन में वो बंद कर दिया जा चुका होता। हमने कल से अपने सिस्टम को कहा है इसको एक्सप्लोर करो, और जो हमारे जो लोग हैं जो इनहेरेंट जिनके पास जो कैपेसिटी था उनको बिल्डअप करके फिर से जोड़ने का काम करो, ताकि उनको अब रोज जॉब के ये पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ रूरल एरिया से मैं भी आता हूँ, मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटीज का हूँ, मुझे भी कुछ कुछ चीजें पता भी है कि क्या चीजें कैसी होती हैं। और मैं अपने फादर का एक एक्सपीरियंस लेकर के मैं कल उस जगह से घूम करके मैं सीधे अपने फादर के यहाँ गया। मैंने उनको पूछा, उनको बताया कि मैं यहाँ से गया, यहाँ गया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो हम लोगों का सोर्स ऑफ मनी था, इसी पर तो हम कम्युनिटीज जिंदा रहते थे। हमने पूछा ये खराब क्यों हो गया, ये आज ऐसा क्यों हो गया, बोला दलालों का बीच में जमा होना, सरकार की गलत नीतियों के वजह से ऐसा हुआ।
और आज मतलब बड़ा, चूंकि मैं अपने फादर से कुछ कुछ चीज़ों को सीखता हूँ, चूंकि उनका एक अनुभव बहुत बड़ा है, और मैं एक अनुभव और एक नई ऊर्जा के साथ आगे सोच रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबली मिताली जी, मैं आज इस चैलेंज को ले रहा हूँ कि मैं अपने माइग्रेंट लोगों को अब आने वाला समय में माइग्रेंट करने का मैं ज़्यादा अवसर ना दूँ, ऐसा हमारा प्रयास है। आई रियली अप्रिसिएट योर ऑनेस्टी एंड योर टाइम टूडे मिस्टर सुरेन. हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद. एंड आई एग्री विद यू. आई थिंक इफ एनी वन डिजर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंस एट दिस पॉइंट इट इज द माइग्रेंट लेबर हु आर स्ट्रगलिंग ऑन द रोड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।